ये तस्बीह तो पढ़े, ये दिनों में क्या करना, आपको चार चीज़ें और बता देता हूँ। मुहर्रम, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम, मैंने कल बोला आज फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, 4 मरतबा सूरह अलहम पढ़ना, 4 टाइम्स सूरह अलहम पढ़ो पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। आज 3 मुहर्रम हो गई, कोई बात नहीं, सूरह अलहम पढ़ो 4 मरतबा पढ़ के मौलाना हुसैन को हदिया कर दो। ये बहुत बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और सारे बोले इसका सवाब मेरी माँ बाप भाई बहन सबको दे दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद अल्लाहुम्मा लान खतलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असाबुल हुसैन, ये हर नमाज के खुनूद में पढ़ो। फर्स्ट टेन डेज आप फर्स्ट 12 डेज आप पूरा मुहर्रम पूरा जिंदगी पढ़ो, लेकिन लाजिम पढ़ो ये 10-12 दिन में मुहर्रम के फर्स्ट 12 डेज। क्या बोल के, अल्लाहुम्मा लान खतलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असाबुल हुसैन। लड़का लड़की कम से कम तुम्हारे मासूम बच्चे, उन बच्चों को सीखा पांच, उनको बोले माँ लेके बैठे बैठ के बोले कि बेटा जस से इमाम हुसैन के खातिलों पे लानत हो, इतना तो बोल सकते हैं। यू नॉट टेकिंग एनी नेम, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, ज्यारत आशुरा है, ये तो बोल सकते ना कि अल्लाह मौला हुसैन के खातिलों पे लानत हो। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये हम जब तक बच्चों को ये तबर्रा नहीं सिखाएंगे ये लोग दूर हो जाएंगे। आप वेस्ट में रहते हैं, मैं जानता, जब ये नया जनरेशन आ रहा ना तो ये लोग बोलते हैं व्हाई शुड वी कर्स। नहीं, लाजिम है। मैं घर के अंदर बोल रहा, घर के अंदर, मैं नाम नहीं बोल रहा। डोंट टेल मी, आई नो एवरीथिंग, डोंट टेल मी। आप ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को लाना सिखा रहे बाद में, नो, घर के अंदर, इन योर हाउस विदाउट मैंशनिंग नेम यू कैन से कि अल्लाह इमाम हुसैन के खातिलों पर लाना था। वॉट इज़ रॉन्ग। एक तुमने एक जुमला बोल दिया, अल्लाह मौला हुसैन के खातिलों पे लानत करे, सारे खातिल जितने यजीद से लेके नीचे तक सारे जालिमीन जो है उन सब पे लानत होगी। आज तक अगर भी यजीद का साथ दे रहा उस पे लानत होगी। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, किसी का नाम नहीं ले रहे आप ये तो कहीं भी बोल सकते, इवन पब्लिक में बोल सकते आप, लेकिन नहीं बोलो पब्लिक में नहीं बोलो, घर के अंदर बोल रहा, घर के अंदर, इन योर हाउस, राइट इनसाइड द हाउस। वो तो आपकी राइट है, आपका घर है, लेकिन डिप्लोमेसी मत करो। जब तक तुम खातिलान हुसैन पर लानत नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्लोज। मैं नहीं बोल रहा, आप ज्यारत आशुरा पढ़ते हैं, ज्यारत आशुरा का क्या है, ज्यारत वारिसा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लान खतलत हुसैन व औलाद हुसैन व साहब हुसैन पढ़ना, लान अल्लाह उम्मतन खतलत का व लान अल्लाह उम्मतन जलमत का व लान अल्लाह उम्मतन समेत बेजाल का फरजियत बे, ज्यारत वारिसा में। ये मैं नहीं बोल रहा, आप ज्यारत वारिसा क्या पढ़ रहे, प्लीज रिक्वेस्ट करा, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कातिलान हुसैन पे लानत पढ़ना लाजिम है। डिप्लोमेसी मत करो, ये मुहर्रम है, फर्स्ट एंड डेज है, बीवी का घर उजड़ गया, हम बैठे रहे नहीं, आई डोंट वांट टू से, डोंट से। ये अगर तुम नहीं करोगे तो तुम रोज मैशन बेहद जजमेंट, हाउ कैन यू गो एंड आस्क बीवी, मजलूम बीवी के बीवी प्लीज अब मेरी शिफात कर दो। तो प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप खातिलान हुसैन पे इस तरह से लान करो। और अपने खुनूत में जितने बड़े हैं उनको बोल रहा, खुनूत में ये बोलो अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व असाब अल हुसैन। ये मुहर्रम में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इससे तुम्हारे गुड डीड्स इंक्रीज होंगे, तुम्हारे बैड डीड्स रेज होंगे, याद रखो। इसके बाद यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम। लोग कहते हैं कि मौलाना ये क्यों, लाजिम है लानत लाजिम है। आप नाम नहीं लो, बगैर नाम लिए पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसलिए कि आजकल के हालात ख़राब है। और पब्लिक में मत करो, डोंट डू इट इन द पब्लिक, आप घर के अंदर, राइट इनसाइड। और तुम अकेले नहीं करना, तुम अपनी औलाद को बताना, अपने बच्चों को बताना, अपनी लड़कियों को बताओ, अपने लड़कों को बताओ कि ये मस्ट है। इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं करना, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लाजिम है। इसलिए कि ज़ियारत आशुरा में कुरान मजीद में अल्लाह ने जालिमों पे लानत नहीं की, काजिमों पे लानत नहीं की, झूठों पे लानत नहीं की, कुरान मजीद में लानत है। तो उसी तरह मैं बार बार मैं क्लियर कर रहा अपने मैसेज को कि घर के अंदर दो, पब्लिक में मत दो, रोड पे मत दो, घर के अंदर। ये मुहर्रम है, 3 दिन गुजर गए मुहर्रम के,
हम अगर एक दिन भी अब तक अगर हमने खातिलाने हुसैन पे लानत नहीं की तो तुम सोच रहे कि कितनी बड़ी मुसीबत आ गई मौला हुसैन पे। मौला हुसैन करबला पहुंच गए, मौला हुसैन करबला पहुंच गए। और अगर मैं इमाम हुसैन के खातिलों पे लानत नहीं करूँगा तो हमें क्या समझ रहा, अभी कितने दिन रह गए, सिर्फ 7 दिन रह गए, जस्ट 7 डेज लेफ्ट। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है खातिलाने हुसैन पे लानत करना, ये तुम्हारी गुड डीज को इंक्रीज करेगा। और जब तुम लानत करोगे तो यू विल गेट क्लोज टू इमाम, इमाम की नुसरत वही करेगा। अब बोलो कि मौला मैं आपकी नुसरत करूँगा लेकिन मैं आपके दुश्मनों से नहीं लड़ूंगा, ये करना है। फिर दुश्मनों से नहीं लड़ोगे तो तुम नुसरत क्या कर रहे हो, क्या हेल्प कर रहे हो इमाम की। कल इमाम अगर तुम अपनी आर्मी में ज्वाइन करेंगे तो तुम बोलेंगे नो मौला, जो आपके दुश्मन हैं उनसे तो मेरी लड़ाई नहीं होगी।